एक ऐसी व्यवस्था है जो इंसानियत को जमींदोज कर देती है। ये कैसी व्यवस्था है जो कुव्यवस्था को अंधकार में इतनी निर्मम हो जाती है, और ये कैसा आधार है जो किसी की जिंदगी पर भारी पड़ता है। ये कैसा आधार है जो गर्भवती महिला को अस्पताल के बाहर पटक देता है। ये कैसा आधार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात करने वाले सूबे में खुले आसमान के नीचे एक मासूम को छोड़ देता है। और ये कैसा आधार है जो किसी की चीखों को नहीं सुनता। ये कैसा आधार है जो किसी डॉक्टर्स को इतना बेरहम कर देता है। अगर ऐसा ही है आपका आधार तो माफ कीजिए, हमें नहीं चाहिए ये आधार, क्योंकि ये व्यवस्थाओं का आधार नहीं बल्कि अंधकार का आधार है। तो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि गुरुग्राम में कैसे एक अस्पताल के बाहर इंसानियत चीखें मार रही थी, कैसे एक अस्पताल के अधिकारियों ने आधार को अंधकार बना दिया। उसके बाद चर्चा करेंगे। सामान्य अस्पताल जो कि पहले से सामान्य कभी थे ही नहीं। लापरवाही, अनदेखी, अव्यवस्था तो पहले सामान्य थी, अब कुछ असामान्य भी गुरुग्राम के अस्पताल में देखा गया। असामान्य इसलिए क्योंकि एम्बुलेंस के ना पहुंचने के चलते स्टाफ की लापरवाही की वजह से मरीजों की परेशानी की खबरें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। लेकिन इस बार सामान्य अस्पताल के स्टाफ के रवैये ने हैरान तो किया ही, साथ ही शर्मसार भी किया। शर्मसार इंसानियत को और ममता को। गुरुग्राम का सामान्य अस्पताल जहां उपचार के लिए लोग रुख करते हैं, उसी अस्पताल में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी इसलिए नहीं करवाई जाती क्योंकि आधार कार्ड नहीं दिया गया था। पूरा मामला सुनिए, मामले की गंभीरता को समझिएगा भी। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये परिवार यूपी से है। शुक्रवार सुबह 8 बजे गर्भवती महिला, जिसका नाम मुंदी बताया गया, अपने पति के साथ अस्पताल पहुंची। लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स को महिला की डिलीवरी करवाने से ज्यादा जरूरी लगा आधार कार्ड जमा करवाना। आगे सुनिए, गर्भवती महिला के पास आधार कार्ड नहीं था, लेकिन महिला के पति ने आधार कार्ड का नंबर दिया, लेकिन डॉक्टर्स कहां मानने वाले थे। आरोप है कि महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। आगे जो हुआ वो और भी शर्मसार करता है। गर्भवती महिला अस्पताल के अंदर इमरजेंसी के गेट के पास बच्चे को जन्म दे देती है। बेशर्मी की इंतहा देखिए। इसके बावजूद ना कोई डॉक्टर्स ना नर्स आना जरूरी समझती है। यहाँ से एम्बुलेशन का नंबर लगाया, फिर यहाँ से एम्बुलेशन गई है, फिर वहाँ से 8 बजे आए हैं, 8 बजे यहाँ आ गए, फिर इसके बाद यहाँ अंदर यहीं से शुरू किया था, पहले नंबर से सारे जगह पे पता किया, एक दूसरे में ऊपर भेज दिया। यहाँ से गए थे तो जैसे बताते गए, इस नंबर पे जाओ उस नंबर पे जाओ, वैसे हम चले गए। आधार कार्ड में मांगा था सुबह 8 बजे अंदर कर दिया। अंदर जाने के बाद में हम हर जगह में कहीं कहीं बोलते हैं किस नंबर में जाओ, सारी जगह में गए सर, सारी जगह में जाने के बाद में कोई कहता वहाँ चले जाओ, सारी जगह में गए मगर कोई सुनवाई नहीं। लास्ट में क्या किया, बोले आधार कार्ड चाहिए। हमने कहा आधार कार्ड हम दे देंगे, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल, तो कम से कम हमारा मरीज तो संभालो। लेकिन आधार कार्ड न होने के कारण उन्होंने बाहर निकाल दिया। मामले में अस्पताल प्रबंधन का चौंकाने वाला बयान सामने आया, और अस्पताल के पीएमओ का कहना है कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने पीड़िता को अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा था। अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा गया था, और ये अल्ट्रासाउंड रूम अंदर 34 नंबर कमरा है, लेकिन पेशेंट
ने पता नहीं क्या हुआ, क्यों वो बाहर आ गई, किससे पूछ के बाहर आ गई, बिना बताए पेशेंट बाहर आ गई है। और यहाँ पे आके हो सकता है उसका, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में पेशाब का प्रेशर खूब बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए डॉक्टर ने उनको कहा था कि थोड़ा सा प्रेशर बन जाए ताकि अच्छे से अल्ट्रासाउंड हो सके, और उसके चक्कर में चलते हुए पेशेंट यहाँ पे बाहर आके यूरिन पास करने की कोशिश की। और यूजुअली ये होता है कि फुल टर्म में जब पेशेंट इस तरह से कोशिश करता है तो वो डिलीवर कर सकता है। वह जनाब आरोप तो खारिज कर दिए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि महिला का दाखिला हुआ या नहीं, और अगर दाखिला हुआ तो अल्ट्रासाउंड अस्पताल के अंदर ही होता है, बाहर नहीं, और वो भी नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी में। एक बार फिर सूबे के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर्स के रवैये पर सवाल उठे। एक बार फिर मामला मीडिया में आया। खबरें अभी तक ने सवाल किए कि सरकारी अस्पताल किस लिए हैं, जब महिला की डिलीवरी तक अस्पताल में नहीं करा रहे। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद डॉक्टर्स और नर्स को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ये एक्शन लिए जाने से मामला शांत नहीं हो जाता। सवाल अभी कई बरकरार हैं। सरकार और सिस्टम से पूछे सवालों में स्वास्थ्य मंत्री विज साहब ने साफ किया कि आधार कार्ड को लेकर उपचार नहीं रोका जाएगा, लेकिन सवाल तो ये भी कि क्या अस्पतालों को नियमों की जानकारी नहीं है। साथ ही इंसानियत की उम्मीद तो दूर की बात, क्या सरकार का भी खौफ नहीं कि सवाल पूछे जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा। अब वैसे तो आधार कार्ड के लिए किसी का इलाज मना करना जायज नहीं है, और वो जो अस्पताल है वो आर्मी के पैनल। ये केवल पहला मामला नहीं, देश के कई हिस्सों से इस तरह के मामले सामने आए। हरियाणा के ही सोनीपत का मामला अभी नहीं भूले थे, जिसमें शहीद की वीरांगना का उपचार नहीं हो पाता, जान चली जाती है क्योंकि आधार कार्ड न था। उस वक्त भी कार्रवाई की बात हुई थी, उस वक्त भी मंत्री जी का बयान सामने आया था, लेकिन बदलाव के नाम पर, सुधार के नाम पर स्थिति ढाक के तीन बात। आज बड़ी बात में सवाल पूछेंगे कि क्या जिंदा रहने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। ये आधार कार्ड की कॉपी मैंने इनको दिखाई फोन में, यदि आधार नंबर रहा इसके माध्यम से आप इसका इलाज शुरू कर दिए तो मैं एक डेढ़ घंटे में कॉपी ला लूंगा, क्या मैंने गलत किया? क्या आधार कार्ड जिंदगी से बड़ा है? क्या आधार कार्ड एक गर्भवती की पीड़ा, एक गरीब के सम्मान से बढ़कर है? क्या आधार कार्ड इंसानियत से बढ़कर है? इन सवालों से अलग एक सबसे बड़ा सवाल ये कि मंत्री जी जब कहते हैं कि आधार कार्ड उपचार के लिए जरूरी नहीं, तो ये अस्पताल और डॉक्टर्स कौन सी नियमावली देखकर उपचार करते हैं? बड़ी बात में जवाब देना पड़ेगा कि सरकार आधार कार्ड पर स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती, और अगर क्लियर कर चुकी है तो क्या मनमानी करने वाले डॉक्टर्स सरकार और मंत्री जी का कहा मानना जरूरी नहीं समझते? और एक आपसे जुड़ा सवाल ये भी कि जब उपचार ही सामान्य अस्पताल नहीं दे पाते, जब एक गरीब माँ अपने बच्चे को अस्पताल में जन्म देने का अधिकार नहीं रखती, तो क्या मायने इन अस्पतालों के हैं? क्या काम है इन डॉक्टर्स का? गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर के साथ ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। सवाल बड़े उठते हैं, और सवाल ये है कि आधार कार्ड सहूलियत के लिए था या फिर परेशान करने के लिए। चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। संजय आहूजा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में, जो कि सरकार का पक्ष भी साफ करेंगे कि आधार कार्ड जरूरी है भी या फिर नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ रंजीता मेहता हैं इस चर्चा में इनेलो का पक्ष रखने के लिए। कुसुम चेरवाल हमारे साथ हैं, राजीव रंजन रॉय हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, और साथ ही डॉक्टर श्याम सखा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं आप IMA के। स्वागत है सभी का। संजय जी, ये बताइए कि आधार कार्ड क्या इतना जरूरी सरकार की ओर से किया गया है कि आधार कार्ड नहीं होगा तो डिलीवरी नहीं करवाई जाएगी? नहीं ज्योति जी, ऐसा नहीं है, इतना नहीं। आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन आप बताएं कि ये कहें कि इतना जरूरी है कि पहले आधार कार्ड आएगा तो इलाज होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरकार की तरफ से बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं कि आधार कार्ड के बिना पंजीकरण प्लस उपचार उसका होना चाहिए जी। उसके बावजूद भी अगर डिलीवरी नहीं करवाई जाती जी, एडमिट नहीं किया जाता, तो जिम्मेदार कौन है ये बताइए? इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है, और अधिकारी कोई भी अगर इसमें कमी करता है या कोई भी
मतलब इसमें कल्प्रिट पाया जाता है। शुरुआत में मान लिया कि हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, आप हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है। ज्योति जी, मैंने ये कहा पूरे प्रदेशवासियों की जान माल की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है, लेकिन उसके बाद कोई भी अधिकारी, अगर कोई भी अधिकारी किसी देशवासी प्रदेशवासी को परेशान करता है तो उसको छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग कड़ा संदेश अभी तक नहीं दे पाए हैं, कड़ा संदेश आप हॉस्पिटल्स को नहीं दे पाए। सुनिए एक बार के लिए कि आधार कार्ड नहीं होगा तो भी उपचार करना पड़ेगा, आधार कार्ड नहीं होगा तो भी डिलीवरी करवानी पड़ेगी। आपके मंत्री जी, आपकी सरकार कड़ा संदेश नहीं दे पाए हैं। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है उस टाइम उपचार के टाइम, बाद में तो आप दे सकते हैं। लेकिन ये जो बात आई है, एक पहली बात, आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि उनको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया गया, पहली बात। हमारी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नाकाफी है ये, नहीं तो नाकाफी जब, कम से कम उसका सुधार, उसका बदलाव दिखे, उसका बदलाव दिखे। सोनीपत में मामला सामने आया था सर, सोनीपत में शहीद की वीरांगना की मौत हो जाती है क्योंकि आधार कार्ड नहीं था। उस वक्त भी आप लोगों ने जांच की बात कही थी, अभी जांच होगी, लेकिन क्या बदलाव दिखा बताइए। मैंने क्या बोला, कोई भी अधिकारी, अगर कोई भी अधिकारी प्रदेशवासी को, किसी भी हरियाणावासी को तंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रंजिता मेहता जी, कार्रवाई की बात हो जाती है और कार्रवाई भी हो जाती है, लेकिन उससे सबक कितना लेते हैं, ये बड़ा सवाल। ज्योति जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा ही केस तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले रोहतक पीजीआई में भी आया था, वहां पे भी बच्ची ने जो जन्म लिया था वो हॉस्पिटल के गेट के बाहर लिया था। तो मैं ये आज ये जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार वाकई ही इन मामलों को लेकर गंभीर है जी? आप ये देखिए कि उसके बाद जो पीएमओ और सीएमओ का बयान आता है वो और भी बचकाना है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इसके अंदर पेशाब का जोर होना जरूरी है, इसलिए हमने अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा था। पीएमओ साहब, शायद आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको नहीं जानकारी, बट बीइंग अ फीमेल मुझे ये जानकारी है कि अगर हम गर्भवती हैं और हमें नौवां महीना लगा हुआ है तब हमें पानी पीने की जरूरत नहीं होती। और आप इसमें दिलचस्प बात ये देखिए कि 8 बजे अगर उसको एम्बुलेंस से वहां पे पहुंचाया गया है और एक गृह परिवार के द्वारा पहुंचाया गया है, इसका मतलब ये है कि उसको पेन स्टार्ट हो चुकी है। और उस हालात के अंदर अगर महिला को आप कहते हैं कि नीचे जाके 34 नंबर कमरे में आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, ये सबसे पहला गुनाह है जो आप कर रहे हैं। वो गुनाह, वो नीचे उतरते हुए सीढ़ियों में भी डिलीवरी कर सकती है अगर उसकी हालत है। तो आप इतना बचकाना जवाब दे रहे हैं। और दूसरा जवाब आपको दिलचस्प भी बताऊंगी, इन्होंने ये भी कहा, गर्भवती महिला है, उनके परिजनों की ओर से साफ कहा गया कि हम मिन्नतें करते रहे, बार बार कहते रहे, डॉक्टर्स जो है हंसते रहे। आप इंतहा देखिए बेशर्मी की, डॉक्टर्स हंसते हैं, ना जिम्मेदारी डॉक्टर समझ रहे हैं, ना सरकार का, ना सिस्टम का किसी तरह का खौफ उनमें है कि जिम्मेदारी आप अपनी पूरी नहीं करेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद बचकाना जवाब ये भी आता है कि, और जो यहाँ के स्टाफ हैं वो, उनके बारे में ये कहा जाता है कि दोनों जो ये डॉक्टर हैं और ये जो नर्स थी उस समय ड्यूटी के ऊपर, ये दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और हमने इनको नौकरी से निकाल दिया है। क्या निकालने भर से इसका सोल्यूशन हो गया है? खुदा न खास्ता अगर बच्ची को या माँ को कुछ हो जाता तो आज उसकी भरपाई कौन करता? क्या हमारे हिंदुस्तान और हमारे हरियाणा के अंदर इन बच्चियों की जान इतनी सस्ती है कि वो कहीं भी रिक्शा में, बाहर सड़क पर, हॉस्पिटल के गेट के बाहर वहाँ की डिलीवरी हो जाती है, और हम बात करते हैं बेटियों को बचाने की और पढ़ाने की, और हम जब गर्भवती महिलाओं को ये सुविधा नहीं दे सकते कि वो आराम से बच्चों को जन्म दे सके? जब एक महिला को अस्पताल के बाहर डिलीवरी जो है महिला की हो जाती है, डॉक्टर्स पल्ला झाड़ देते हैं ये कह के, बहाने बना के कि एडमिट हमने कर लिया था, जो भी कारण रहे टेक्निकल। ज्योति जी, आज मेरे ख्याल से आधार जो होता है एक बेस होता है किसी भी चीज का, लेकिन आज इस आधार को ही इन्होंने अंधकार में बदल दिया है। आज हरियाणा प्रदेश में इस आधार के नाम पर मेरे ख्याल से कितनी ही मौतें हो चुकी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, अगर आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जब भी कोई इस तरह के कोई मामले आते हैं, कोई एक्सीडेंटल केस आता है, बिना किसी पूछताछ के पहले उसको फर्स्ट एड मिलनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने तो आज सरकार ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के को भी आज उनके आदेशों को भी आज सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं माना जा रहा है, और उसके बावजूद पहले भी आपने बताया कि सोनीपत में भी ऐसा केस हुआ, आज हरियाणा प्रदेश में क्या आधार के नाम पर ही महिलाएं मरती रहेंगी? सबसे बड़ी बीमारी तो आज आधार कार्ड ही हो गया है। हाँ। क्योंकि मैं गांव देहात जैसे एरिया में काम कर रही हूं, वहां पर मेरे को देखने को मिलता है कि जो माताएं बहनें वो कहती हैं कि हम आधार कार्ड लेकर के जाते हैं, और लोग कहते हैं कि वहां पर उनको इतनी पड़ताड़ना सहनी पड़ती है कि या तो उनके फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। हाँ। आधार कार्ड आज सबसे बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी जो है आज आधार कार्ड बन चुका है, जिसकी वजह से आज हर आदमी, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, हर तरह का आदमी परेशान हो जाता है। आप ये समझाइए कि ये डॉक्टर्स की जो मनमानी है, जो नियम कानून है, इनको कैसे समझे पब्लिक?
देखिए दो बातें, पहले तो बहुत निंदनीय और शर्म की बात है देश समाज और डॉक्टर्स के लिए कैसा हुआ। आई एम रियली सॉरी टू लर्न इट। मैं 1972 में फरीदाबाद में था ESI में जी, तो सामने ढाबे वाले का अपेंडिक्स का आ गया। मैं फिजिशियन हूँ, मैंने सर्जन एडमिट करके और सर्जन के पास भेजा, उसने कहा नहीं। मैंने कहा भाई मैंने एडमिट किया, यू आर नॉट कंसर्न्ड विद। उसने ऑपरेट किया, ऑपरेट के बाद मुझे 2 महीने बाद चार्ज आ गया कि आपकी तनख्वाह से क्यों ना काट ली जाए और आगे से लिख के दो कि आप ऐसा नहीं करेंगे जी। मैंने वहाँ लिख के दिया कि अगर कोई कानून है मेरे पैसे काटने का तो काट लो, लेकिन मैं करूँगा यही क्योंकि मैं पहले डॉक्टर हूँ बाद में आपका नौकर हूँ। उसके बाद मेरे पास कोई लेटर नहीं आया ना मेरे पैसे कटे। तो उस डॉक्टर को जिसने भी ऐसा किया उसकी बहुत गलती है, उसको करना चाहिए था। क्योंकि हमारी ओथ होती है जो हिपोक्रेटिक ओथ कि दुश्मन का भी करेंगे, साधु का भी करेंगे, वेश्या का भी करेंगे, सबका इलाज करेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या है कि सारी दुनिया में अफ्रीका तक मैं 27-28 देशों में रहा हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं है। ये तो आधार या पासपोर्ट की बात नहीं, पासपोर्ट भी नहीं है आपके पास, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पैसा नहीं है। सारी अफ्रीका जैसे देश में भी वहाँ एडमिट होता है और इलाज होता है। इंसानियत तो है ना जवाब, तो, इंसानियत के नाते कम से कम वही मैं बता रहा हूँ। भगवान का नहीं, वहाँ सरकार के हुक्म है, मान लिया गया जी। देखिए वहाँ सरकार का हुक्म है, प्राइवेट यहाँ सरकार का फॉल्ट है, सरकार खुद कहती है। सरकार एक बार के लिए सुनिए, आपसे सवाल मैं ये कर लूँ क्योंकि दर्शकों को क्लियर किया जाना बहुत जरूरी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि आधार कार्ड जरूरी नहीं, बताइए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जो सोनीपत और रोहतक में हुआ, क्या उसके बाद ये भाजपा के प्रवक्ता कोई लेटर दिखा सकते हैं जो सरकार ने भेजा हो कि भाई आधार के बिना भी इलाज करना है? ये नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी परसों वहाँ था और मुझे MLA से फोन कराना पड़ा एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए कि आधार नहीं है, बाद में आ जाएगा, यही 6 सेक्टर में। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि आधार वो मांगते हैं। राजीव अगर जी इन्होंने को कोई लेटर लिखा होगा चर्चा में जोड़ेंगे, नहीं है पहले संजय आहूजा जी, देखिए आप लोगों की नियत पर सवाल जरूर उठेंगे, बताइए। देखिए मैंने तो पहले से जिम्मेवारी ले ली है, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। हाँ, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अनिल विज ने पर आप पहले ही जवाब में कह दीजिए हमने जिम्मेदारी ले ली, क्या चीजें ठीक हो गई उससे, क्या मंत्री जी ने कड़ा संदेश दिया? देखिए मैं इसका, डॉक्टर साहब ने जो सवाल किया, क्या सरकार ने कड़ा संदेश इस तरह का दिया? आप लोगों ने कोई चिट्ठी पत्र ऐसा लिखा कि आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा? ज्योति जी, अगर मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि आधार कार्ड आवश्यक नहीं है इलाज उपचार के वक्त, तो मैं जो आज जो ये आज जो हुआ हादसा, इसकी मैं बचाव नहीं कर रहा। इसका बचाव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें जो ये हुआ निंदनीय हुआ, डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब की पहली जो डॉक्टर की पहली प्राइमरी वो बनती है कि उसका वो उपचार करना चाहिए था उसका। उसको पहली बात तो उसको उसके लिए अल्ट्रासाउंड के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसका फुल टाइम था। जो मुझे मैंने जो जानकारी दी है के लिए तो भेजा भी नहीं गया था, जो गर्भवती महिला के परिजन जो कहते हैं और बीमारदार जो कहते हैं, नहीं भेजा गया था अल्ट्रासाउंड के लिए। मैं ये बताऊंगा कि अल्ट्रासाउंड का इंतजाम लेबर रूम में होना चाहिए, ये नहीं, दिस इज रॉन्ग कि इतनी दूर भेजा जाए उसे। हर जगह सारी दुनिया में लेबर रूम में अल्ट्रासाउंड जरूर होती है। राजीव रंजन जी, क्या कहें इन सरकारी अस्पतालों के जो हालात हैं उनको लेकर, अब आधार कार्ड का मसला बना लिया गया? देखिए इसमें दो बातें काफ़ी प्रोमिनेंटली बाहर आई है और दो मुझे लगता है कि दोनों में काफ़ी सच्चाई। एक तो जो आपका हेल्थ सर्विसेज है गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है जो डॉक्टर का गरीब लोगों के प्रति जो एटीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आधार तो एक बहाना है, देखिए आधार एक बहाना है, आधार एसेंशियल सर्विसेज से लिंक्ड है ही नहीं। हाँ। वो उसको कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जाते हैं तो आधार आपको कैरी करना पड़ेगा, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, पहले तो आपको ट्रीटमेंट कर देना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ आधार की भूमिका बहुत कम है, ये जो सिस्टम इतना कमजोर है इसको कभी अभी इम्प्रूवमेंट इसमें हो ही नहीं रहा है। और डॉक्टर्स का जो ओवरऑल गरीब के प्रति जो एटीट्यूड रहता है वो एक सैड है, उसमें कोई क्वालिटी चेंज नहीं आया है। गरीब पेशेंट को देखते उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, यहाँ जाओ वहां जाओ, इसमें आधार का कोई लिंक ही नहीं है। अच्छा एक बात हम यह भी मान लेते हैं, चलो आधार भी जरूरी था, तो आधार जब जरूरी है तो जो पेशेंट वो प्रसव पीड़ा से वहां है उसको आप कैसे कह सकते हैं उस रूम में जाओ इस रूम में जाओ? उसको तो आप कहेंगे कि ठीक है हमने आपको एडमिट किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, किसी आदमी को बोल दो बाद में वो आधार कार्ड सबमिट कर, आधार कार्ड का नंबर बकायदा बता दिया गया, उसके बाद भी जरूरी नहीं समझते डॉक्टर? बिल्कुल नहीं था ये, तो देखिए हमें ज्योति जी समझने की जरूरत है कि हमारा जो हेल्थ सर्विसेज है गवर्नमेंट सेक्टर में उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, और गरीबों के प्रति जो लोगों का एटीट्यूड है, सरकारी अस्पताल जो है, हालांकि लंबी प्रक्रिया है सरकारी अस्पतालों में सुधार किए जाने की, लेकिन आप लोग सरकार में आए, आप लोग 3 साल से ज्यादा पूरे कर चुके हैं,
सरकारी जो अस्पताल हैं आखिरी विकल्प हैं, कि पैसे नहीं है तो ही सरकारी अस्पताल में जाएंगे और उपचार के नाम पर क्या मिलेगा वो आपने देखा। मैं देखिए अभी जितना 3 सालों में सरकारी अस्पतालों में अपग्रेड आए हुए हैं हमारे हॉस्पिटल, डेंगू के मरीजों को बेड नहीं मिलते संजय आहूजा जी, पेशेंट मैं आपको अगर सरकारी अस्पतालों की एक आप बीती बता सकती हूँ, वहां पर अगर एक महिला सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे वो पीजीआई है चाहे वो नागरिक अस्पताल है, अगर वहां पे डिलीवरी कराने जाती है वो अपनी मौत को बुलावा खुद देती है, वो या खुद मरती है या उसका पैदा होने वाला बच्चा मरता है। मैं आपको ये आप भी बता रही हूँ, इतना गंदा सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान का कि हाइजीन के नाम पर 0 में से भी -0 नंबर है इन हॉस्पिटल में। डिलीवरी जहां पर इन महिलाओं को दाखिल किया जाता है बेड होती है 12 एडमिट होती है 24। आधार कार्ड का मसला हालांकि नया आ गया, लेकिन आप लोग सरकार में ज्यादा रहे, टैक्स पेइंग पब्लिक को आप लोगों ने क्या दिया स्वास्थ्य के नाम पर, सरकारी अस्पतालों के नाम पर, ये कांग्रेस पर भी सवाल उठेंगे जब जब उठेंगे, जब जब हम चर्चा करेंगे आधारभूत जरूरतों को लेकर के, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर कांग्रेस क्या देकर गई। आप लोगों ने विरासत में बहुत अच्छा कुछ नहीं दिया, बीजेपी को बहुत अच्छा विरासत में आप लोग नहीं देकर गए, हरियाणा की पब्लिक को आप लोग देकर गए। लेकिन अब जो रवैया आधार कार्ड को लेकर सामने आया है उसको नकारा नहीं जा सकता, उस पर इनकार नहीं किया जा सकता। लेकर अगर हम बात करते हैं एजुकेशन को लेकर, जब हम बात करते हैं हरियाणा सरकार ने इस बार बजट उसका कम किया है ज्यादा करने की बजाय, आपको क्या लग रहा है कि ऑलरेडी आपके हॉस्पिटल अपग्रेड हो गए? अभी संजय आहूजा जी कह रहे थे 3.5 साल हो गए हमारी सरकार और हमें इनको अपग्रेड कर दिया। अगर जनाब अपग्रेड होता तो पंचकूला जैसे नागरिक हॉस्पिटल के अंदर जब एक वेंटिलेटर खुदा ना खास्ता बच्चा या बच्चा में से किसी को कुछ हो जाता तो क्या संजय, सुनिए रंजिता जी, क्या संजय आहूजा जी के खामी अपनी मान लेने से, सरकार की जिम्मेदारी मान लेने से चीजें ठीक हो जाती? बताइए कुसुम जी। ज्योति जी, सरकार और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं विज साहब, ये तो अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते। आज चाहे कोई मर रहा है कोई जी रहा है, इन लोगों को कोई किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आए दिन एक स्लोगन आए दिन चल रहा होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से बचाएंगे क्या ये बेटियों को? आज जिनकी सड़कों पर ही मौत हो रही है, सड़कों पर ही बेटियों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, और आज ये किस तरह के स्लोगन दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये किस तरह से बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं। हाँ। और जो स्वास्थ्य मंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमने सुधार कर दिया, लेकिन अगर मैं थोड़ा आंकड़ों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो आज हरियाणा प्रदेश के जो हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटलों को तो छोड़ो, जो पीएससी सीएससी ऐसे से हॉस्पिटल हैं, ज्योति जी अगर आप जाकर के देखो वहां पर, तो वहां हालात इतने खराब हैं कि वहां पर ना तो बेड है, ना डॉक्टरों को लिखने के लिए पर्चियां हैं, ना कोई मेडिसिन मिलती है, तो आज कहां पर जाए जो गरीब जो जनता है वो कहां पर जाए? जो पैसे वाले लोग हैं वो तो सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ करके दूसरे हॉस्पिटलों में चले जाते हैं जहां उनको अच्छा अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती हैं। कहां से लाते हैं कि आधार कार्ड के नाम पर? एक बार के लिए सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, दिशा थोड़ी साफ हो जाएगी चर्चा की। इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि आधार कार्ड का नंबर है उसके बावजूद ये कहें कि डिलीवरी नहीं करवाएंगे? मैं आपको बताता हूं कि पहली चीज तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर रखे जाते हैं उसे पता है छूट जाएगी नौकरी तो कोई जरूर नहीं, परमानेंट डॉक्टर क्यों नहीं रखे गए 3 साल हो गए? या तो रिटायर्ड डॉक्टर हैं या कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको पैसा भी थोड़ा मिलता है, एक बात। दूसरी बात, मैं पहले भी कह चुका हूं, पेपर में लिख चुका हूं, हेल्थ मिनिस्टर को लिख चुका हूं कि दो चीजें आप कीजिए। एक और आ गया कि एम्प्लॉयमेंट का जो पैसा है, जो सरकार नौकरी सरकारी चाहिए, इलाज प्राइवेट में कराएंगे क्योंकि सरकार पैसा देगी, वो पैसा अगर अपग्रेड करने में लग जाए हॉस्पिटल्स के, और अभी एक जो नहीं उनके डॉक्टर्स की नियत हो जाएगी काम करने की? सर बहुत तीखा सवाल है लेकिन जवाब दीजिए, सरकारी जो डॉक्टर्स हैं उनकी काम करने की नियत नहीं? बहुत साफ में बोल रही हूँ, काम नागरिक होने के नाते में बोल रही हूँ। सरकारी नौकरी जिनको मिल गई वो नकार देंगे कि हम ना एडमिट करेंगे ना हम किसी तरह का उपचार करेंगे क्योंकि आधार कार्ड नहीं है, कोई और बहाना ढूंढ लिया जाएगा। आप जाइए सेक्टर 6 के हॉस्पिटल में, वहां सबसे पहले जब कंप्यूटर पर आपकी वो होगी रजिस्ट्रेशन होगी, अगर आपका आधार नहीं है रजिस्ट्रेशन आता नहीं, कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर है ये कहते हैं कि हमने वो कर बिल्कुल मैंने आज ही कराया, ये नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने आज ही कराया है, मैंने भी कुछ और कराया है, डॉक्टर्स का कुछ और पक्ष है, ये साफ किया जाए ना, क्लियर कीजिए इसे। और यही नहीं चंडीगढ़ में भी ऐसा, पहली बात। दूसरी बात, अगर डॉक्टर्स को ठीक फैसिलिटी मिलेंगी काम करने की
जितनी भीड़ होती है जितना वो होता है और ठीक तनख्वाह मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट पर कितना पैसा देते हैं आप, मजदूर जितना पैसा देते हैं या रिटायर्ड को देते हैं, तो कहां से वो बात करेंगे? आपको लगता है कि अच्छी सैलरी दी जाएगी, अच्छी सुविधा दी जाएगी, तब डॉक्टर्स की नियत हो जाएगी इस तरह से काम करने की? इंसानियत होनी भी बहुत जरूरी है जनाब, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गुरुग्राम में बहुत बड़े हॉस्पिटल ने एक लड़की के पेरेंट्स ने 16 लाख रुपये खर्चे किए और उनसे रुपया वसूला गया और उनकी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बाद में उनको डेड बॉडी थमा दिया गया और वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहां तो पैसा दिया गया। वो सारे जो ट्रीटमेंट है, सारे जो टेस्ट के रिपोर्ट आए हैं डॉक्टर ने मेंशन किया। देखिए यहाँ बात स्पष्ट है, हम इस बात को एडमिट करना पड़ेगा, गरीब के प्रति जो डॉक्टरों का रवैया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो गवर्नमेंट सेक्टर का, वो अनफॉर्चुनेट है, वो अमानवीय रवैया होता है गरीबों के प्रति, ये फैक्ट है। और आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, फैक्ट है। हम रिच होने के नाते, पावरफुल होने के नाते हम उसको ना देखें, हम एक गरीब को अपने स्थान पर रखकर के देखें, रवैया अमानवीय है। और दूसरी सबसे ज्योति जी सबसे दूसरी बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, फैसिलिटीज इतनी पुअर है और सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है इस मामले में? आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज डॉक्टर्स को हटा दिया, उनके ऊपर आप सीएमओ को हटाइए ना, आप डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल ऑफिसर है उनको आप सस्पेंड कीजिए, उनको टर्मिनेट कीजिए, आप टर्सरी लेवल पे एक्शन लीजिए ना। आप छोटे छोटे एक्शन लेकर के फॉर्मेलिटी करते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी से ऐसा नहीं है। डेटरेंट कहाँ जाती है? नहीं नहीं आहूजा जी, डेटरेंट कहाँ? बिल्कुल कहाँ? और ये कांग्रेस के रिजिम में भी हुआ है, कांग्रेस की बात नहीं है, आपकी बात का जवाब दिया है। कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं था कि हरियाणा स्वर्ग था, तब भी प्रॉब्लम था, अभी भी प्रॉब्लम है। आधार कार्ड जिसको लेकर बीजेपी दावे दावे करती है, आधार को आपने क्या आधार कर दिया गया कि सांस लेनी है तो आधार कार्ड लेकर आइए, सांस लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया, सब चीज में आधार कार्ड, आधार का आधार क्या है? आधार कार्ड बोल रहे हैं जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं उससे अलग बीजेपी बोलती है। बिल्कुल, मैं एक ज्योति जी आपके बात डॉक्टर्स के बारे में, डॉक्टर साहब ज्योति जी मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने कहा कि नीचे तक एक्शन लीजिए, ऊपर तक ऊपर तक एक्शन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि तत्काल भाव से जिन्होंने वहां कमी की, जिन्होंने कोई त्रुटि की है उसमें, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। और दूसरी बात, और दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, पूरी बात तो करने दीजिए। संजय जी एक बार बताइए, क्यों ना आज अनिल विज जी को उनकी पोस्ट से हटाया जाए? उन्होंने डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि आधार कार्ड के बिना आप उनको एडमिट कीजिए? आपके सामने सारे सब बिल्कुल दी है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपकी प्रोजेक्शन है, नहीं ये आप नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कोई ऐसा ऑर्डर दिखाइए जिस पे ये कहा गया कि आधार कार्ड जरूरी है, आप मुझे ये कोई ऑर्डर दिखाइए, आप मुझसे ऐसा हो क्यों रहा है संजय जी, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए मैं पहली बात बता रहा हूँ, खतरनाक नहीं है कि मंत्री जी के कहे जाने के बावजूद भी उपचार नहीं मिल पाता है? ज्यादा सर देखिए वो ज्यादा खतरनाक है, सोचने का विषय है ये, तो रोने का विषय है। ज्योति जी, ज्योति जी जो आज ये दुर्घटना हुई है वो बहुत गलत है, शर्मनाक है, मैं इस चीज लगातार ऐसा हो रहा है। कोई पत्र लेकर आइए ना, कोई लेटर लेकर आइए, मैं एक और बात बताता हूँ, कोई खत लिखा गया आपकी सरकार की ओर से बीजेपी, मैं एक और बात कहता हूँ, आज से दो साल पहले कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर आधार कार्ड नहीं मांगता, बिना ऑर्डर के कैसे मांग लेंगे वो? हाँ। ऐसी गलत बात कह रहे हैं, ऑर्डर आए हैं तभी तो उन्होंने मांगना, बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं है, नॉट एट ऑल, देखो देयर आर कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्यों? मैं अपनी बात रख लूं, ये कंफ्यूजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल, सांस अगर लेनी है तो आधार कार्ड जरूरी है, अगर डिलीवरी करवानी है आधार कार्ड जरूरी है, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उनको देखकर हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो कि बहुत जरूरी आधार कार्ड को करती जा रही है, वो विपक्ष में रहकर आधार कार्ड को लेकर क्या सोचती थी? देश के पीएम नरेंद्र मोदी जो कि लोकसभा में राज्यसभा में आधार कार्ड को लेकर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, आपने सुना भी हाल के दिनों में क्रेडिट लेने की कोशिशें भी करते हैं, वो विपक्ष में रहकर क्या सोचते थे, उनकी ओर से पहले क्या कहा गया और नरेंद्र मोदी की ओर से पीएम बनने के बाद आधार कार्ड को लेकर क्या कहा गया वो सर? मंत्री जी देश पूछना चाहता है, इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए, ये रुपए कहां गए, आधार कार्ड का लाभ किसको मिला? सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवालों के जवाब ये देश की जनता मांगती है आपसे। देश के
96% नागरिकों के पास आधार कार्ड है। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे और मैं इसके लिए मुख्यमंत्रियों का, राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस काम में उन्होंने काफी तेजी लाई है और काफी बल दिया है और उसके कारण ही संभव हुआ है। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। सरकारी मदद या सब्सिडी पर जिस व्यक्ति का अधिकार है अब उसे ही इसका फायदा मिल रहा है। तो दो पक्ष निकलकर सामने आए, इंसान एक ही बोलता है लेकिन राजनीति दो तरह की भाषा बुलवाती है। पीएम नरेंद्र मोदी को आपने सुना, सरकार में आकर क्या बोला आधार कार्ड को लेकर, विपक्ष में रहकर क्या बोलते थे वो सुना, लेकिन आधार कार्ड का लाभ अगर मिला तो किस तरह से, चर्चा कर रहे हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। आहूजा साहब, क्या फायदा मिला आधार कार्ड का? देखिए, अब भी इस देश के वासी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आपने पहले का भाषण वक्तव्य उनका सुनाया, आप ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने नागरिक के बारे में नहीं कहा कि ये आधार का कार्ड का जो बेनिफिट है वो किसको मिला। हाँ। वो उस घोटाले की बात कर रहे हैं कि वो पैसा कहाँ गया, और जो उसके बाद उन्होंने कहा ये बात कि इस आधार को हमने जोड़ा और जो जरूरी जो सेवाएं थी। आप कभी पक्षधर थे आधार कार्ड के? सत्ता में आए हैं तो हर जगह आधार कार्ड आप लगा रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बावजूद अगर इस तरह के मामले सुनिए एक बार के लिए अस्पतालों से सामने आ रहे हैं तो क्या फायदा मिल रहा है आधार कार्ड का? सीधा सवाल, इस बात को सिरे से नकारता हूँ कि जरूरी सेवाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। ये अभी राजीव जी ने भी ये बात कही। नहीं ज्योति जी, मैं राजीव जी ने कहा था कि आप क्लियर कीजिए, आप साफ क्लियर है, हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है, पहले भी क्लियर था, आगे भी क्लियर रहेगा। जी रंजिता जी आएंगे, कांग्रेस का पक्ष भी जानेंगे, ये झूठ कौन बोल रहा है, सरकार झूठ बोल रही है या डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं? श्याम सखा जी, मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक तो मुझे हंसी आ रही है कि बाबा तुलसी ने लिखा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही भव पारा। तो यह आधार जो है भव पार उतारने की चीज होगी कि मरीज जो है मर जाए। हाँ। और कुछ नहीं हो, यानी वो आज से 700 साल। दूसरी बात, ये नरेंद्र मोदी जी की बात की उस पर मैं बताता हूँ, अगर उसको आगे सुनाते तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये बांग्लादेशियों को नागरिक बनाने का कारण है, जो आपने नहीं सुनाया। ये बात नहीं है कि सिर्फ उसकी बात की थी, ये भूलना चाहते हैं उस बात को। हाँ। अब मैं आता हूँ इस बात पर। एक तो डॉक्टर, एक सेकेंड, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, बोलिए मत। एक तो रंजन जी ने कहा डॉक्टर की, देश में 16.5 लाख डॉक्टर हैं आज भी, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ ऐसी बात आई है? यानी लाखों लोग, सारी बात हम मानेंगे, आपकी सारी बात सुनिए, नहीं सुनिए आप, सुनिए एक बार के लिए, झूठ कौन बोल रहा है ये बताइए। झूठ तो सरकार बोल रही है जब मांग रहे हैं सब जगह, ये तो सब। संजय आहूजा जी, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रही है। अगर सच बोल रही है तो मैं अभी बताता हूँ कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70% के पास है, तो आप बताइए 30% कहाँ जाएंगे? 96%, हाँ, वो चाहे कितने भी हो उतने हैं नहीं, लेकिन वो 3% भी हैं तो क्या मर जाएंगे? आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी सरकार झूठ बोल रही है, पैनल पर ये बात निकल कर सामने आई, बताइए। कोई डॉक्टर दो साल पहले नहीं मानता था, आप क्यों बोल रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे हम झूठ बोल रहे हैं, आप खुद क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम झूठ बोल रहे हैं, अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि सरकार ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि आधार कार्ड जरूरी नहीं, लिखित में ऐसा कुछ नहीं है, लिखित में ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री जी अगर कहते हैं कि आधार कार्ड जरूरी नहीं, फिर डॉक्टर्स उसको नहीं मानते, वहाँ अपना फेलियर स्वीकार कीजिए आप। मैं अपना वक्तव्य पूरा कर लो जी, कीजिए। मैंने पहले कहा कि ये हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि जरूरी सेवाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी है, मैं तो आज, मैं सुबह भी आज, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे कि मैं परसों गया था आधार कार्ड मांगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मांगा तो गलत मांगा, गलत है ये चीज। डॉक्टर को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। मैंने पहले बोला आज से दो साल पहले नहीं कर रहे देंगे।
सरकार का कहा अगर डॉक्टर्स नहीं मानते मनमानी ले रहे हैं क्या मानकर चले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिम्मेदारी ले ली, जिम्मेदारी लेने की हमारी गलती है, स्वास्थ्य मंत्री ने जिम्मेदारी ली। पहले राशन कार्ड भी नहीं मांगते थे, कैसे मांग लेंगे? रंजीता जी बोलिए आप। ज्योति जी, आज संजय ऊर्जा जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। संजय जी अब भाई अब सुन लीजिए, आपने पूरा करेंगे, बाकी वक्ता ना बोले, तीन बार बोल चुके हैं आप ब्रेक के बाद। रंजीता जी देखिए, संजय हुजा जी अब बार बार कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। क्या उनके पास या उनके नेट पे या उनके सरकारी दफ्तरों में कहीं भी कोई ऐसी नोटिफिकेशन है जिसके अंदर उन्होंने ये लिख कर दिया हो कि आप आधार कार्ड मांगे बिना उनका इलाज कीजिए? आज अगर आप पेंशन लेने जाते हैं, बुजुर्गों की पेंशन, क्योंकि उनके अकाउंट आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उनको पेंशन से वंचित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके हॉस्पिटलों के अंदर अगर आप इस बात को नकार रहे हैं, आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आज आपके आधार कार्ड की जो कमर्शन है उसकी वजह से आम जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है। आप लिखित रूप में नोटिफिकेशन दीजिए, कल ही टीवी पे एड चलेगी। आपने आधार कार्ड झूठ नहीं किया, आप इस बात को नकार नहीं सकते कि आपकी सरकार झूठ बोल रही है। आपके पास में आऊंगी, आपके पास में आऊंगी। श्याम सखा जी रुकिए, रुकिए संजय जी रुकिए। एक सवाल मैंने पूछा था कि भाई जब 2 साल पहले 1.5 साल पहले आधार नहीं मांगता था अस्पताल, तो बिना ऑर्डर के कैसे मांग सकता है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं, आप दीजिए जवाब। रंजीता जी ने भी यही कहा कि कहीं पे ये दिखाई है कि ऑर्डर की कॉपी नहीं मांगे जाएंगे। ये कहां दिया है हमने ऑर्डर की हमने मांगे जाएंगे? मैंने मैं तो ये मांग बता ही रहा हूं। मैंने आपसे पूरा बात को पूरी करने नहीं देते आप मेरे को। आपके ट्वीट मंत्री जी सुबह शाम लोगों के चीजों के ऊपर ट्वीट करते हैं, इसके ऊपर 2 लाइनें सुर्खियां देखिए कलम बना दीजिए कि आधार कार्ड कैसे का मसला नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? मैं अधिकारी पूछे आपको बता रहा हूं, ज्योति जी जो ये बात करते हैं कोई अधिकारी अगर सोनीपत का मामला, रुकिए अभी सुनिए, सोनीपत का मामला सामने आया तब भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आधार कार्ड जरूरी नहीं, हालांकि जांच करवाई जाएगी। फिर से मामला सामने आया। अरे सर क्या आप लोग फेल नहीं हुए? फिर ये बता दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री जो कहते हैं क्या वो फेल नहीं हुए? क्या उनके विभाग में उनका कहा नहीं माना जाता? रिटर्न के बिना कुछ नहीं चलता है। रिटर्न में ये नहीं दिया गया कि आधार कार्ड दिया गया नहीं, रिटर्न के बिना मांग भी नहीं सकते वो, और ना ही उसको वो कर सकते। कैसे आप अभी किसी बात सरकारी हॉस्पिटल के सीएमओ को आधार कार्ड से आया हुआ है? आज अगर कोई परेशान है तो वो आम जनता परेशान है। आज अगर कोई मर रहा है तो आम जनता मर रही है। अगर कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री, कोई मंत्री, कोई हरियाणा प्रदेश का मंत्री, किसी के दांत में भी दर्द हो जाता ना तो उसके लिए 12-12 डॉक्टर उसके सेवा में लग जाते हैं। लेकिन आज अगर गरीब आदमी, आज अगर ये गरीब जनता है जो आधार के नाम पर मर रही है, आज इनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ये सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। और सरकार के जो लोग हैं, सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर भी वो अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बार 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 एक ही चीज सामने आ रही है। जो था ना 12-12 डॉक्टर इकट्ठे करने का, ये नैलो में था। ऐसा कुछ नहीं है, 15 साल हो चुके हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। सरकार के वक्त भी ऐसा ही हो रहा है। जांच करवा भी ली जाएगी, लेकिन सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह का मामला फिर से सामने ना आए। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा ज्योति जी की, जो आधार जो कार्ड है इसका लिमिटेड और स्पेसिफिक एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये वहीं लागू होनी चाहिए जहां की लोगों को करप्शन का डर है और जहां के लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिलने का डर है। एसेंशियल सर्विसेज में आधार का एप्लीकेशन वहां चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। सरकार इस पे ये आज गरीब लोगों पे एक बर्डन बन गया, एक लायबिलिटी बन गया। आधार के भार से और भय से लोग दबे जा रहे हैं और सरकार का कोई क्लेरिफिकेशन ही नहीं आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है कि 31 मार्च तक कोई भी सर्विसेज फोन बैंक आप इसको लिंक जबरदस्ती नहीं करवाएंगे। लेकिन यह हरियाणा गवर्नमेंट को कि कल एक प्रेस ये एक एडवर्टीजमेंट इशू करे अखबारों में कि एसेंशियल सर्विसेज में आधार का मांगना अपराध है और अगर कोई मांगे ये टोल फ्री नंबर है तो ये करते क्यों नहीं है, ये करते क्यों नहीं है, ये गरीब आदमी परेशान हो रहा है, ये सब चीज नजरअंदाज हो रहा है, मानवता नजरअंदाज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत के लिए किया वो कौन सा मान लिया, यही हमने कहा कि भाई यार मानते नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। कहीं राशन नहीं मिलता क्योंकि आधार कार्ड नहीं था जान चली जाती है, कहीं उपचार नहीं मिलता क्योंकि आधार कार्ड नहीं था जान चली जाती है, किस दिशा में देश है। मैं यही तो आपको बता रही हूँ, जो आज बुजुर्ग पेंशन लेने जाते हैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है आधार कार्ड की मशीन के अंदर कि आज इतना समय होने के बावजूद भी अगर आप आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं आपकी वो फिंगरप्रिंट्स वहां पे चलने होते हैं, कहीं लाइट नहीं है, कहीं कंप्यूटर खराब है, कहीं मशीन खराब है, आते ही नहीं है बुजुर्गों के, इतनी असुविधा है, उसके बावजूद आप कैसे किसी भी डिपार्टमेंट में इसकी कंपल्शन कर सकते हैं। आप देखेंगे आज मोबाइल के अंदर भी सुबह शाम दिन रात एक ही मैसेज आता है कि आप अपने बैंक को आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए वरना आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। मुझे एक बात बताइए, कोई भी चीज अगर आधार कार्ड यहाँ पर बनाया गया था लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, उनकी उनकी हर चीज को लिंक करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए बनाया गया था, आज इस आधार कार्ड की वजह से एक लेडी डिलीवरी बाहर हॉस्पिटल के कर देती है, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। और उसके बावजूद हम चीख चीख के अनफॉर्चुनेट है और चीख चीख के हम बार बार फिर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। भाई आपने नहीं कहा तो क्या 2.5 साल पहले ये चीजें आपने नहीं की थी तो लोग मांग रहे थे? आज अगर हॉस्पिटल में मांगा जा रहा है आप ये क्लियर नहीं कर पाए, आप ये क्लियर नहीं कर पाए कि अगर आप लोगों ने नहीं कहा है तो डॉक्टर्स क्यों कह रहे हैं, अगर आप लोगों ने कहा है तो वो कितना शर्मनाक है कि दिल्ली तक नहीं की जा रही। दोनों बातों का सीधा जवाब कि पेंशन के लिए राशन के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है और जो जरूरी सेवाएं हैं उसके लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। जिस गरीब के अंदर 1,000 का पेंशन देता है उसके लिए पेंशन जरूरी नहीं है, आप उसको गैर जरूरी कैसे कह सकते हैं, आप राशन को गैर जरूरी कैसे कह सकते हैं, राशन से दो क्योंकि आपके टाइम में घोटाले बहुत हुए। जनाब छोड़िए, अरे हम क्या छोड़े, ये तो आपको आने वाला समय दिखा रहा है, सिर्फ शोर मचाते हैं, एक मिनट पूरी सरकार घोटाले में जा चुकी है। सवाल का जवाब छोड़ गए, एक घोटाला बताइए, आप एक घोटाला सिंगल ना अभी बताओ, मुख्यमंत्री जी का एक घोटाला बताइए, आपको अभी बताती हूँ। क्या ये विषय है चर्चा का, मेरी विषय है बताने दीजिए, जरूरी सेवाओं के लिए उपचार के लिए सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा आधार कार्ड जरूरी नहीं है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बात कही है। एक सेकंड, अब मुझे दो बातें, देखिए पहली बात तो मेरे उस सवाल का अब तक जवाब नहीं दिया गया कि 2 साल 1.5 साल पहले क्यों नहीं मांगते थे आधार। बिल्कुल, दूसरी बात मैं कहता हूँ कि घोटालों की बात करते हैं, ये जो अभी इंश्योरेंस ला रहे हैं हेल्थ में, अगर ये पैसा अपग्रेडेशन के लिए लग जाए हॉस्पिटल, किसी को जरूरत ना पड़े, जो एम्प्लॉयमेंट का पैसा लग जाए, हाँ। सरकार की इच्छा नहीं है, आप अगर कोई भी अगर सब्जी बनाते सरकार हैं की इच्छा नहीं तो है। आग बाद में जलाते हैं, इन्होंने तो नोटबंदी में भी आग पहले परेशान पब्लिक है, सरकार की नियत ना हो, डॉक्टर की नियत ना हो, परेशान पब्लिक है। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया इस चर्चा में भगवान भरोसे है वक्त देने के लिए। तो गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पताल आखिरी विकल्प है क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में नहीं चले जाते, हालांकि वो दूसरा पक्ष है, दूसरा पहलू है कि वहां भी मनमानियां देखी जाती हैं। लेकिन क्या आधार कार्ड वाकई इतना जरूरी हो गया कि उपचार तभी होगा जब आधार कार्ड होगा, और अगर सरकार ने ऐसा नहीं कहा है तो क्या सरकार का फेलियर है ये? इनको लेकर जवाब दिए, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। कपड़े कपड़े कहाँ है, कपड़ा निकालो।